हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीपीएस के ऊपर। क्या होता है जीपीएस, कैसे काम करता है जीपीएस और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर जीपीएस के बारे में हम बात करें तो इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके का सैटेलाइट सिस्टम है जो सैटेलाइट की मदद से काम करता है, इसलिए इसको हम नेविगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। नेविगेशन मतलब एक ऐसा सिस्टम जो दूरी को बताए, जो पाथ को बताए, जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक बताए। यानी अगर सपोज करिए कि आपको किसी लोकेशन तक जाना है, किसी जगह पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप सोर्स एंटर करेंगे और डेस्टिनेशन एंटर करेंगे, कहां से कहां आप जाना चाहते हैं। तो जीपीएस आपको एग्जैक्ट बता देगा वो लोकेशन जहां तक आप जाना चाहते हैं, कितनी डिस्टेंस है उसकी बीच में, और रियल टाइम पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपको दिखाता है कि कितनी दूर रह गया है, किधर मुड़ना है, हर चीज की इंफॉर्मेशन ये आपको देता है जीपीएस। ये सैटेलाइट सिस्टम है और ये सबसे पहले बनाया है किसने, यूएसए ने। यानी ये जो जीपीएस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये किसका सर्विस है, ये जिस कंट्री की सर्विस है, जिस कंट्री का नेविगेशन सिस्टम है, जिस कंट्री की ये सैटेलाइट है, वो है अमेरिका यानी यूएसए। 1970 में यूएसए ने सोचा कि उसका एक अपना सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो आर्मी है उसको भी मदद करेगा, उसकी जो मिलिट्री है उसको भी मदद करेगा, और वो किसी भी कंट्री पर नजर रख पाएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उसको बनाया और नाम रखा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अमेरिका ने वादा किया बाकी कंट्रीज से भी कि आपको भी ये सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा, हम आपको जीपीएस की सहायता और सुविधा प्रदान करेंगे। सभी कंट्रीज बहुत खुश हो गई। 1970 में इसको बनाया गया, 1978 में जाकर पहली सैटेलाइट तैयार करी यूएसए ने, 1990s में जाकर इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया 24 सैटेलाइट के साथ यूएसए के द्वारा। लेकिन 1990s में ये ऑपरेशनल तो हो गया, लेकिन इंडिया को रिक्वायरमेंट हुई 1999 में, जिस समय इंडिया का वॉर चल रही थी पाकिस्तान के साथ में, कारगिल वॉर। उस समय इंडिया ने कहा क्यों ना हम यूएसए से जीपीएस की मदद लें, और जीपीएस की मदद से कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, वो देख सकती है, और कहीं भी बम्बार्डमेंट यानी कहीं भी बम गिराना है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पर गिरा सकती है, क्योंकि जीपीएस इतना पावरफुल होता है कि किसी दूसरे कंट्री की किसी एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग के कमरे में, ये कुछ भी कर सकती है। यानी इतनी इसकी रेंज होती है कि वो एक बिल्डिंग के कमरे तक भी देख सकती है, ये जीपीएस है, और उसका पता लगा सकती है। तो इंडिया ने कहा क्यों ना हम यूएसए से मदद मांगे, यूएसए से मदद मांगी गई, यूएसए ने मना कर दिया 1999 में, और कहा इंडिया को कि हम आपको जीपीएस की सर्विस नहीं दे सकते। जब इंडिया के साथ ऐसा हुआ तो इंडिया को तो पता ही चल गया कि अब जीपीएस जैसा ही नेविगेशन सिस्टम अब इंडिया को भी बनाना चाहिए, यूएसए पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम आने पर यूएसए काम नहीं आएगा। बाकी कंट्रीज को भी ये समझ में आ चुका था कि अब उनको भी एक पोजीशनिंग सिस्टम, एक नेविगेशन सिस्टम, एक सैटेलाइट सिस्टम बनाना है जो जीपीएस को टक्कर दे, और इसी सिलसिले में सभी कंट्रीज लग पड़ी अपने अपने पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि किस किस कंट्री ने कौन कौन सा नेविगेशन सिस्टम तैयार किया। Have a look, guys. तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम आया वो था अमेरिका, 1970s में स्टार्ट किया, 1978 में जैसे कि अभी मैंने बताया पहली सैटेलाइट लॉन्च की, और 29 सैटेलाइट के साथ में ये इस समय है, और अपने नेविगेशन सिस्टम को यूएसए ने नाम दिया जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी पूरे ग्लोब पर हर एक कंट्री पर यूएसए नजर रख सकता है जीपीएस की मदद से, और इसको नेव स्टार के नाम से जाना जाता है। तो यूएसए का जो जीपीएस सिस्टम है या नेविगेशन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड नेव स्टार, ये याद रखिएगा।
नेविगेशन सिग्नल टाइमिंग एंड रेंजिंग। नेविगेशन यानी एक ऐसा सिस्टम जो सिग्नल टाइम और रेंज पर काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नेविस्टार। तो अगर हम आपसे पूछें कि यूएसए के जीपीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे नेविस्टार बोलते हैं। या हम पूछें कि यूएसए के नेविगेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं जीपीएस बोल सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोल सकते हैं। 1978 में 24 सैटेलाइट के साथ में इसको लॉन्च किया गया, और इस समय यानी आज की डेट में अगर हम बात करें तो टोटल 29 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं। टोटल काम करने वाली सैटेलाइट इस समय कितनी है यूएसए के पास, 29 सैटेलाइट। आगे अगर बात करें तो रशिया ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया। यूएसए को देखा देखी रशिया ने भी 1970s में अपना नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसका जो नाम था वो था ग्लोनास। ये कोई क्रीम का नाम नहीं है, ये नेविगेशन सिस्टम का नाम है जो रशिया ने डेवलप किया था, दैट इज कॉल्ड ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लो का मतलब ग्लोबल, एन का मतलब नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, एन ए मतलब नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, या इसको GNSS के नाम से भी जाना जाता है। 1970s में ये भी आया, 27 ऑपरेशनल सैटेलाइट है इसकी आज की डेट में। तो रशिया का हो गया ग्लोनास और अमेरिका का था नेविस्टार। आगे देखते हैं, अब यूरोपियन यूनियन, इसने भी कहा भाई हम भी बनाएंगे, हम क्यों पीछे हटे, हम भी यहां पर अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने 2011 में अपना नेविगेशन सिस्टम यानी सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर लिया, जिसको नाम दिया गया गैलीलियो। और आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है ये, आज की डेट में 30 सैटेलाइट्स के साथ में ये काम कर रहा है, 30 सैटेलाइट के साथ में काम कर रहा है गैलीलियो। किसका है, यूरोपियन यूनियन का। अब इंडिया की अगर नेविगेशन सिस्टम की बात करें, तो इंडिया ने तो हार का सामना कर लिया था, यानी यूएसए ने गलत तरीके से मना कर दिया था, तो इंडिया को यह बात बहुत खराब लगी थी, और इंडिया ने इसलिए अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया, दैट इज कॉल्ड IRNSS, जिसको नेविक के नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए का जीपीएस है, वैसे इंडिया का IRNSS है। जैसे यूएसए का जीपीएस जिसका नाम है नेविस्टार, वैसे इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नेविक। IRNSS की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरे ग्लोब पर नजर नहीं रखती, ये सिर्फ इंडिया और इंडिया के आसपास के एरिया पर नजर रखती है, ये पूरे ग्लोब को नजर नहीं रखती, क्योंकि इतना अभी पावरफुल इंडिया ने नहीं डेवलप किया है कि वो हर एक कंट्री पर नजर रखे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और बनाना काफी टिपिकल है। लेकिन इसरो और DRDO की मदद से इंडिया ने नेविक यानी IRNSS को डेवलप किया ईयर 2013 में, जिसमें 7 सैटेलाइट्स थी 2013 में, और आज की डेट में टोटल 8 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। समझ में आ गई बात, तो ये है आपका IRNSS। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर मिनिमम कितनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नेविगेशन सिस्टम को काम करने के लिए, चाहे वो IRNSS हो, नेविक हो, या नेविस्टार हो, या गैलीलियो हो, या चाइना की अभी हम आगे बताएंगे उसकी बात करें, तो आंसर है कि मिनिमम 3 सैटेलाइट का होना जरूरी है, तभी ये एक्यूरेट रेंज हमें देगा। मिनिमम 3, और आजकल मिनिमम 4 सैटेलाइट भी यूज की जा रही है। वैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट तो आप देख ही रहे काफी है, लेकिन मिनिमम 3 होनी ही चाहिए। क्लियर है, आगे बात करते हैं। चाइना ने भी अपने नेविगेशन सिस्टम को बनाया 2018 में, और इसको ऑपरेशनल कर दिया 2020 में, यानी जब COVID-19 से देश लड़ रहे थे उस समय ये नेविगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इम्प्लीमेंट कर रहा था, सक्सेसफुल तरीके से बना रहा था, दैट इज कॉल्ड बीड़ू। बीड़ू के नाम से इसने अपने नेविगेशन सिस्टम को 2018 में बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते 2 साल के अंदर इसको परफेक्ट तरीके के साथ 35 सैटेलाइट के साथ में लॉन्च कर दिया। 35 सैटेलाइट गाइस आज के समय में बेडू यानी चाइना के नेविगेशन सिस्टम में काम कर रही हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना पावरफुल है। तो
यहाँ पर अब हम बात करेंगे जिस नेविगेशन सिस्टम के बारे में, वो है यूएसए का जीपीएस, और यही हमारे आज का टॉपिक भी है। अभी तक हमने अलग अलग कंट्री के नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात करी, अलग अलग देश के सैटेलाइट सिस्टम के बारे में बात करी, उनमें कंपैरिजन आपको बताया। अब यूएसए का जो सबसे पहला था वो क्या था, जीपीएस, जिसको नैव स्टार के नाम से जाना जाता था। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आप जानते हैं जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक ऐसा पोजिशनिंग सिस्टम जो हर एक कंट्री पर नजर रख सकता है, दैट इज कॉल्ड जीपीएस। जीपीएस वॉज इन्वेंटेड इन किस ईयर में, ये इन्वेंट हुआ, तो 1970s ईयर में इसको इन्वेंट किया गया, 1970 के दशक में इसको बनाया गया। 1978 में पहली सैटेलाइट यूएसए ने लॉन्च करी, ये भी मैंने आपको बताया। 1990s में जाकर 24 सैटेलाइट यूएसए ने लॉन्च कर दी थी। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशनल जीपीएस सैटेलाइट यूज्ड, यानी इस समय कितनी जीपीएस सैटेलाइट ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशन में है, यानी यूज हो रही है। तो इस समय टोटल 29 सैटेलाइट्स जीपीएस में यूज हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च, सबसे पहली जीपीएस सैटेलाइट कब लॉन्च हुई। तो आंसर है 1978 में पहली जीपीएस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। एयरप्लेन एंड बोट पायलट्स यूज जीपीएस फॉर, यानी जीपीएस का इस्तेमाल एयरप्लेन्स में भी किया जाता है, बोट पायलट्स के द्वारा भी किया जाता है, किस पर्पस से, मैपिंग के लिए, लिमिट सेटिंग इन एयर और वाटर के लिए, नेविगेशन, बियरिंग, किसके लिए। तो आंसर है नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने आपको बताया भी कि ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह के बीच में दूरी का पता करना, और ये कैसे पता किया जाता है, तीन फैक्टर के बेसिस पर यह पता किया जाता है, और वो है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। यानी जितने भी आपके सैटेलाइट सिस्टम है या नेविगेशन सिस्टम है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, और स्पीड को भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपने जीपीएस ऑन किया हुआ है, तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी होगी, उतनी ही आपकी बैटरी ड्रेन भी होगी। अगर गाड़ी आपकी धीरे चल रही है तो वो क्या करता है, रिफ्रेश करता है, जो लोकेशन को ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है। तो गाड़ी अगर आपकी तेज चल रही है तो बैटरी ड्रेन उतनी ही तेजी से होगी, क्योंकि रिफ्रेश बहुत तेजी से होगा। और अगर गाड़ी आपकी स्लो चल रही है ना, तो ये जो बैटरी ड्रेनेज है वो भी स्लो होगा। लेकिन बैटरी ड्रेन होती तो बहुत फास्ट है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। वॉट टाइप ऑफ एंटीना इज यूज इन जीपीएस सिस्टम, अब जीपीएस सिस्टम में एंटीनास का यूज किया जाता है, इस एंटीना को क्या बोला जाता है, यागी एंटीना, हेलिकल एरे एंटीना, लूप एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज हेलिकल एरे एंटीना का यूज किया जाता है जीपीएस सिस्टम में। और आप देख सकते हैं यहां पर हेलिकल एरे एंटीना किस तरीके से दिखता है, इसकी हमने एक सुंदर सी फोटो भी यहां पर लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय द जीपीएस फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट, यानी एक जीपीएस को, यानी सैटेलाइट को, ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। तो एक दिन में जो एक सैटेलाइट है वो दो चक्कर लगा सकती है, यानी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में लगभग लगभग 12 घंटे का समय लगता है, 12 आवर्स। आंसर क्या होगा गाइस, 12 आवर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और अगर एक्यूरेट टाइमिंग की हम बात करें तो 11 आवर्स 57 मिनट 57.27 सेकंड, जिसको हम ओवरऑल 12 आवर्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, मैप मेकर्स यूज जीपीएस टू वेरीफाई, देखिए आप गूगल पर देख भी सकते हैं, जीपीएस अगर आप देखना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप्स लिख दीजिएगा, गूगल ओपन करिएगा और सर्च में लिखिएगा गूगल मैप, जो पहला लिंक आए maps.google.com करके आएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। तो एक
ब्लू कलर का एक डॉट आता है बीच में। जब ये ब्लू कलर का डॉट आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि 3 सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। और अब उस ब्लू डॉट पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा व्हाट्स हियर करके, और जैसे ही आप व्हाट्स हियर पर क्लिक करेंगे आपको अपनी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। यानी जीपीएस की मदद से आप अपनी लोकेशन का एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर सकते हैं और किसी दूसरे को आप भेज सकते हैं, तो उससे आपकी जगह यानी लोकेशन का पता भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई। मैप मेकर्स जीपीएस का यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? बाउंड्रीज को सेट करने के लिए। तो यहां पर आंसर होगा टू सेट बाउंड्रीज। स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट इज द वन, कह रहा है सबसे छोटी जो जीपीएस की यूनिट है वो कौन सी होगी? जो कार में जीपीएस होता है वो सबसे छोटा है, जो रिस्ट वॉच में जो पहना जाता है उसमें जो जीपीएस सिस्टम है वो सबसे छोटा है, एयरप्लेन्स, बोट्स, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर है सबसे छोटी यूनिट जीपीएस की होगी जो रिस्ट वॉच में होती है। तो यू कैन वियर ऑन रिस्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट। हाउ मेनी जीपीएस सैटेलाइट वर देयर व्हेन दिस सिस्टम वॉज ओरिजिनली सेटअप? जिस समय यूएस ने जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम को सेटअप किया उस समय ओरिजिनली कितनी सैटेलाइट काम कर रही थी? तो मैंने आपको बताया था कि 24 सैटेलाइट्स थी 1978 के बाद 1990 तक लेकर, टोटल कितनी थी 24, और आज की डेट तक कितनी है 29। वेरी गुड। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट यू नीड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन ऑर्डर टू गेट अ फिक्स ऑन योर हॉरिजॉन्टल पोजीशन? इतना लंबा क्वेश्चन देके घबराइए नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, यानी मिनिमम कम से कम कितनी जीपीएस सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 3 सैटेलाइट होंगी तो इंफॉर्मेशन अच्छी दिखेगी यानी एक्यूरेट दिखेगी। तो आंसर है 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम। जीपीएस यूजेस 24 सैटेलाइट, जीपीएस 24 सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। कितने ऑर्बिट में? तो आंसर है 6 ऑर्बिट में। टोटल कितने ऑर्बिट्स में? 6 ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट घूमती हैं, यानी इसका यूज होता है। नेक्स्ट, जीपीएस इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड, जीपीएस किसी एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पे काम करता है, इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन, ट्राइलेट्रेशन, ऑर्बिट्रेशन, ग्लोबलाइजेशन या पेनिट्रेशन? आंसर है जीपीएस जिस सिद्धांत पर यानी प्रिंसिपल पे काम करता है उसे बोलते हैं ट्राइलेट्रेशन। ट्राई का मतलब होता है 3, और आप जानते हैं कि जीपीएस में मिनिमम सैटेलाइट कितनी होनी चाहिए? 3, यानी 3। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, जीपीएस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पर काम करता है, तो ये भी 3 फैक्टर्स हो गए, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। तो इसका मतलब इसको हम ट्राई लेट्रेशन के नाम से जानते हैं, इसकी प्रिंसिपल को। अगला, व्हाट आर दी क्लॉक कॉल्ड दैट आर यूज्ड बाय जीपीएस सैटेलाइट? जीपीएस में क्लॉक लगी होती है, घड़ी लगी होती है, इस घड़ी को, इस क्लॉक को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल क्लॉक, जीपीएस क्लॉक, ऑटो एटॉमिक क्लॉक, मैग्नेटिक क्लॉक या नन ऑफ दीज? तो आंसर है जीपीएस में लगी हुई क्लॉक यानी घड़ी को एटॉमिक क्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है 3rd one, दैट इज एटॉमिक क्लॉक। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस आर, जीपीएस के मेन कंपोनेंट्स का नाम बताइए। तो याद रखिएगा कि जीपीएस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला पोजिशनिंग, जो आपको पोजिशन यानी लोकेशन बताए। दूसरा नेविगेशन, जो आपको डिस्टेंस बताए 2 पाथ के बीच में। और तीसरा है टाइमिंग, यानी कितना समय लगेगा पहुंचने में ये बताए। ये आपके 3 कंपोनेंट होते हैं जीपीएस के, इसको पीएनटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस आर कॉल्ड एज पीएनटी, पी फॉर पोजिशनिंग, एन फॉर नेविगेशन, एन टी फॉर टाइमिंग। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूएस जीपीएस सिस्टम कॉल्ड, यूएस की जीपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं?
नेविस्टार, बेडू, ग्लूनास, गैलीलियो या IRNSS? तो आप जानते हैं कि यूएस की जीपीएस सिस्टम को नेविस्टार के नाम से जाना जाता है, जबकि बेडू आपका किसका है? चाइना का। ग्लूनास किसका है? दैट इज ऑफ जापान। गैलीलियो किसका है? यूरोपियन यूनियन का। और IRNSS या नेविक किसका है? इंडिया का। नेक्स्ट, मैप मेकर यूज जीपीएस टू। मैप मेकर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप मैप में देख सकते हैं, गूगल मैप्स डालिएगा या map.google.com डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा जीपीएस, अपनी लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं, या व्हाट्स हियर करके आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पता लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को यूज करता है, या मैप में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देखी जाती है, या स्टोर यूज और व्यू, ये सब होता है, या नन ऑफ दीज। तो बहुत कॉमन सी बात है कि जितने भी मैप होते हैं उनमें जीपीएस के तहत सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। तो आंसर होगा फोर्थ में। अगला, जीपीएस वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, यानी ये जो जीपीएस जो पूरे वर्ल्ड को कवर किया हुआ है, ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने स्टेशन हैं और कितने एंटीना लगे हुए हैं? तो आंसर है इसमें 6 मॉनिटर स्टेशन हैं जो मॉनिटर करते हैं लगातार, और 4 ग्राउंड एंटीना लगे हुए हैं। तो आंसर होगा फोर्थ वन, 6 मॉनिटर स्टेशन एंड 4 ग्राउंड एंटीना स्टेशन। देखिए, जीपीएस में रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है, और रिसीवर क्या है? आपके मोबाइल फोन्स, हमारे मोबाइल फोन्स। तो ये जीपीएस से, यानी जब सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं तब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, राइट? नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग जीपीएस यू मे एक्सपेक्ट योर पोजीशन टू बी एक्यूरेट 95% ऑफ द टाइम टू विद इन अ रेडियस ऑफ, यानी 95% एक्यूरेट रिजल्ट देगा जीपीएस कब? जब आप 100 मीटर की रेंज पर होंगे, यानी 100 मीटर की रेंज तक ये बिल्कुल सही रिजल्ट प्रोवाइड करता है, 95% एक्यूरेसी के साथ में प्रोवाइड करता है ना। यानी देखिए, रिजल्ट इसके बाद भी सही रहते हैं, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो स्टेशन पे पर्सन बैठे होते हैं वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। लेकिन अगर 100 मीटर की रेंज है तो यहां तक बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये देगा, उसमें कोई भी रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, जीपीएस सैटेलाइट आर, जो ये जीपीएस की जो सैटेलाइट हैं, ये जियो सैटेलाइट्स हैं, एमईओ सैटेलाइट हैं, लियो सैटेलाइट्स हैं, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आंसर है, जीपीएस सैटेलाइट को मियो सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहेंगे, सर मियो का मतलब क्या होता है? तो मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी ये बहुत ज्यादा स्काई में भी नहीं होती, बहुत ज्यादा जमीन से टच भी नहीं कर रही होती हैं सैटेलाइट, ये मीडियम होती हैं, यानी स्काई और अर्थ के बीच में ये सैटेलाइट होती हैं। तो जीपीएस सैटेलाइट को मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, यानी ये फ्लाई करती हैं जो सैटेलाइट्स, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर रहती हैं। That's why it is called MEO satellite. इसको याद रखिएगा, बहुत important concept है। तो I hope कि GPS के बारे में और other countries जो जो navigation system, satellite system का use कर रही हैं, इसके बारे में आपको complete information मिली होगी। Minimum 3 satellite system का होना जरूरी होता है, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। Session आपको कैसा लगा, समझ में आया तो जरूर comment करके बताइएगा, और session को like भी करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं सचिन अरोड़ा आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और बहुत जल्द मिलेंगी एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।